नमस्ते बच्चों, आज हम एक्टिव पैसिव का थर्ड टॉपिक देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव को पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, आइए स्टार्ट करें। हम देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की। ऑब्जेक्ट चेंज सब्जेक्ट मींस आखिरी की जो चीज है वो कहा जाएगी शुरू में। हैज हैव हैज या फिर हैव लगेगा। हैज लगेगा एक वचन के साथ, हैव लगेगा बहुवचन के साथ। ओके, फिर आपको बीन लगाना है, फिर आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, बाय लगेगा, और ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट जो है वो कहाँ आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट चेंज वो सब्जेक्ट चेंज ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये फॉर्मूला है, इसको आप माइंड में सेट कर लें और आप सॉल्व करें। देखिए, आप ही हैज रिटन अ लेटर। एक फायदा आपको इस टेंस में ये है, हैज हैव वाली जो रहेंगे ना, आपको एक बेनिफिट ये रहेगा कि ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी इसमें। ठीक है, जो अपने टेंस होते हैं ना, इसमें परफेक्ट है ये, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो वर्ब्स रहती है ना, वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में ही रहती है, तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी याद है कि नहीं है। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट वाले, हैज हैव वाले, इनको अगर हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब जो है वो वैसे ही रहती है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता, आपको इसमें सोचना नहीं पड़ेगा कि थर्ड फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, तो ये चीज इस टेंस को और ज्यादा सिंपल बना देती है। ओके, बस इस चीज को सेट कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ही हैज रिटन अ लेटर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अ लेटर लास्ट में है, इसको कहां लेके जाएंगे शुरू में, तो अ लेटर। ओके, अब मैं हैज लगाऊंगी या है, एक लेटर है इसलिए मैं हैज लगाऊंगी, एक वचन। हैज के बाद क्या लगाऊंगी, बीन। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी जो है, जो आपका यहाँ लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ है, रिटर्न, तो आप रिटर्न लिख देंगे। रिटर्न के बाद बाय आ जाएगा, बाय के बाद शुरू में क्या है, ही, तो ही को अगर आप लास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीन। तो यहाँ पर आ गया आपका, तो आपका सेंटेंस बना, लेटर हैज बीन रिटर्न बाय हिम। ओके, अब अगला देखें हम, ही हैज नॉट रिटर्न अ लेटर। अब यहाँ पर नॉट आ गया, तो आपको नॉट वाला बनाना है, वैसा का वैसे अ लेटर लिखेंगे आप, अ लेटर के साथ हैज आएगा। बस यहाँ पर आप हैज और बीन के बीच में सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए आपको ओनली यहाँ पर नॉट लगा देना है। ठीक है, बाकी सेम चीजें वही रहेंगी, अ लेटर हैज नॉट बीन रिटर्न बाय हिम। ओके, तो ये चीजें तो वैसे की वैसी ही है, सेंटेंस ही मैंने वही लिया है जो पहले का था, वही चीज मैंने यहाँ ली है, बस यहाँ पर क्या हुआ है, इसके साथ क्या लग गया नॉट, तो आपको क्या करना है, यहाँ भी अपन ये चीज तो यहाँ लेके जाएंगे शुरू में, लेकिन है इसके साथ आप क्या लगा देंगे, नॉट। ओके, तो ये चीज हो गई हमारी, हैज ही रिटर्न अ लेटर। अब क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आप देखें ना, तो ये क्या है, क्वेश्चन। ओके, तो आपको यहाँ भी वही करना है, क्वेश्चन बनाना है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये has जो है ना, जैसे has ही रिटर्न अ लेटर, अब क्या है, अ लेटर, तो आप अ लेटर लिख लेंगे। लेटर के साथ हम has लगाएंगे कि हाँ, एक वचन है तो has लगाएंगे, तो वो has आपको कहाँ लगाना होगा, शुरू में, क्योंकि ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, has लगा देना है, has a letter। ठीक है, फिर बाकी फिर been लगाएंगे आप, क्योंकि been same process, बस आपको helping verb को शुरू में लेके आ जाना है, बाकी सेम रूल्स वो ही रहेंगे, बीन, फिर रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय आ गया, और फिर हिम आ गया। ओके, और क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, तो इस तरह से ये सारी चीजें सॉल्व होंगी। अगला देखिए, दे हैव सम अ सॉन्ग, अ सॉन्ग तो शुरू में ले आया, ठीक है, उसके साथ हैज लग गया, फिर बीन लग गया, हैज बीन, फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सब आ गया, वही की वही चीज आ रही है। देखिए आप, ये वर्ब है, इनमें हमें सोचने ही नहीं पड़ता है ना, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म, तो ये चीज इसे बहुत सिंपल बना रही है, तो बाय, और दे का अगर हम लास्ट में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, देम। ओके, उसके बाद है, शी हैज नॉट इन्वाइटेड मी, तो मी को अगर मैं शुरू में ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव, आई हैव बीन, ठीक है, आई हैव बीन, लेकिन यहाँ पर देखें हम तो नॉट है, क्या है, नॉट, तो आपको हैव और बीन के बीच में क्या लगा देना है, नॉट, आई हैव नॉट बीन, बस बाकी रूल के हिसाब से
नहीं ना, तीन तक हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने आई हैव नॉट बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है वॉट, फिर आप बाय लगा देंगे और फिर शुरू की चीज यहाँ पर यू है तो वो यू आ जाएगी। एक मिनट, शी हैज नॉट इन्वाइटेड मी, आई हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, सॉरी दूसरा सेंटेंस देखिए, हमने इन्वाइटेड फिर हम बाय लगाएंगे और शी को अगर हम आखिरी में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन कहता है शी हैज नॉट इन्वाइटेड मी, तो अब मी गया शुरू में तो आई हो गया, आई के साथ हैव लगाते हैं और सेंटेंस नेगेटिव था तो नॉट लगा दिया, फिर हमने बीन लगा दिया, इन्वाइटेड का इन्वाइटेड लिख दिया, फिर बाय लिखना और शी को अगर हम लास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ऐसे ही अब हम अगला देखें, हैव यू बॉट द बुक, तो यहाँ पर हम द बुक, ये जो है ऑब्जेक्ट इसको शुरू में ले जाओ द बुक। अब हमको क्या करना है, द बुक के साथ में हैज या हैव में से क्या आना चाहिए, द बुक है ठीक है, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, हैज द बुक ठीक है। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, हैज द बुक, यहां तक हो गया अपना, फिर बीन लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, यहां पर बॉट है, फिर बॉट के बाद बाय आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, तो यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी यू ही रहता है, तो यहाँ पर यू, और जो क्वेश्चन वाली चीजें हैं उनमें आप क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाना। ओके, अगला वाई हैव दे रिटर्न लेटर्स, ये क्वेश्चन है। ओके, तो वाई अगर आ गया है तो पहले वाई का वैसा एज इट इज लिखें, उसके बाद में लेटर शुरू में जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो लेटर, ये सेंटेंस के साथ इंट्रोगेटिव, तो लेटर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, हैज लगेगी है, हैज। ओके, तो आपको वाई हैव लेटर, लेटर के बाद में फिर आ जाएगा क्या, बीन। ओके, बीन लगाएगा, बीन लगा दिया हमने, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिटर्न, फिर आपको लगाना है बाय और फिर सब्जेक्ट का भी चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है दैट, क्वेश्चन मार्क है इसलिए आप क्वेश्चन लगाएंगे। अगला सेंटेंस है हैव यू डन दैट वर्क, ये भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप दैट वर्क को यहाँ लेके आएंगे, दैट वर्क ठीक है। एक चीज सॉरी यहाँ पर लेटर्स है, एक लेटर में ये लेटर्स है तो आपको यहाँ पर हैव लिखना होगा ठीक है, वाई हैव लेटर ठीक है। यहाँ पर हम देखें दैट वर्क, दैट वर्क, अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है, तो दैट वर्क को यहाँ पर लिख दिया हमने, उसके बाद में क्या आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पर हैज लगेगा कि हैव, वह कार्य है ना, तो यहाँ पर हैव दैट वर्क। ओके, यहाँ पर हैज हैव है तो हमने दैट वर्क के साथ जो लगना था वो चीज हमने शुरू में लगा दी है ना, सॉरी हैज आएगा, यह कार्य हैज दैट वर्क, फिर इसके बाद में फिर बीन लगेगा, फिर हम लगाएंगे डन, डन के बाद आ जाएगा डन बाय, फिर आ जाएगा और ये क्वेश्चन लगा देंगे ठीक है। तो इस तरह से हम इस चीजों को सॉल्व करेंगे ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, आप उन्हें करके देखिएगा। ओके बच्चों, अब मैंने आपको ये एग्जांपल्स दिए हैं, ये एक्टिव में है, आप इन्हें पैसिव में चेंज करेंगे, वी हैव प्लेड चेस, शी हैज इनवाइटेड मी, द गर्ल्स हैज नॉट मेट डॉल, हु हैज थ्रोन द बॉल, हैज ही रिटर्न फाइव लेटर्स, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, इनमें आपको कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है ठीक है। बाकी जो रूल्स बताए हैं मैंने हैज है वाले हैं तो आपको वैसा का वैसा ही करना है, करके देखिएगा। चलिए, अगला टेंस हम अगली क्लास में देखेंगे, धन्यवाद।